क्या मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं जो पूरे YouTube पर नहीं है? फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्लीज बी एडवाइज दैट क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए प्लीज बी एडवाइज दैट? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस सुनते होंगे जहां लोग कहते हैं आपको बताया जाता है कि, या आपको सूचित किया जाता है कि। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं आपको बताया जाता है कि या आपको सूचित किया जाता है कि को बोलने के लिए आप प्लीज बी एडवाइज का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। आपको सूचित किया जाता है कि आपका टेंडर पास हो गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बी एडवाइज दैट योर टेंडर इज अप्रूव्ड। यानी आपको सूचित किया जाता है या आपको बताया जाता है कि आपका टेंडर पास हो गया है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका पेमेंट लेट है, या आपको बताया जाता है कि आपका पेमेंट लेट है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बी एडवाइज दैट योर पेमेंट इज लेट। यानी आपको सूचित किया जाता है या आपको बताया जाता है कि आपका पेमेंट लेट है। आपको सूचित किया जाता है कि हमारी पॉलिसी इसकी इजाजत नहीं देती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बी एडवाइज दैट आर पॉलिसी डजंट अलाउ दिस। यानी आपको सूचित किया जाता है या आपको बताया जाता है कि हमारी पॉलिसी इसकी इजाजत नहीं देती है, यानी इसे अलाउ नहीं करती है। आपको सूचित किया जाता है कि आपको एक ईमेल भेज दिया गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बी एडवाइज दैट यू हैव बीन सेंट एन ईमेल। यानी आपको बताया जाता है या आपको सूचित किया जाता है कि आपको एक मेल भेज दिया गया है। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आपकी फ्लाइट लेट है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज बी एडवाइज दैट योर फ्लाइट इज लेट। यानी आप लोगों को बताया जाता है या आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों की फ्लाइट लेट है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा कि प्लीज बी एडवाइज दैट का इस्तेमाल कब करना है। इस तरह के बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।